दूसरी दीदी नहीं, उनकी बड़ी वाली दीदी। तो मैं जा रही हूँ लड्डू खाने, स्पेशल है गणेश चतुर्थी में बनाया। इधर पास लाइए पास। मेरी गाड़ी का चाबी कहाँ रखी हो? चाबी कहाँ रखी हो मेरी गाड़ी का? कार की चाबी कहाँ रखी हो? ओ माय गॉड, ये लड़की। इनकी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। किचन में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। दीदी बहुत मेहनत की है इतना मेहनत की है पूछो मत, और अभी तक विसर्जन नहीं हुआ। आप देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है। तो पंडित जी को देने के लिए चेंज नहीं है, तो पंडित जी स्कैन करा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। Hey everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, वो भी कहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। फिलहाल मैं अभी के घर पे हूँ, रेडी हो रही है, मैंने भी कुर्ती वुर्ती पहना है। एक्चुअली आज है गणेश पूजा का विसर्जन ना, विसर्जन है गणेश चतुर्थी। जैसे कि आपको पता है अभी जस्ट गया है ये ब्लॉग, मेरी पता नहीं कब आएगी, मुझे खुद नहीं पता, एडिट हो जाएगा तो आ जाएगा। तो मैं देखिए घर पे आई हूँ, दीदी के सिस्टर ने पंडाल लगाया हुआ ना, पंडाल उन्होंने सजाया है, और ये लोग गई भी थी दर्शन करने, मैं नहीं जा पाई थी। तो आज मैं विसर्जन में जाने वाली हूँ, देखते हैं कैसा विसर्जन होता है। मैं पहली बार गणेश चतुर्थी के विसर्जन में जा रही हूँ, तो देखते हैं मेरा ये एक्सपीरियंस। वैसे भगवान जी का है तो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। तो मैंने हल्का फुल्का टचअप किया हुआ है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी गाड़ी का चाबी कहाँ रखी हो? चाबी कहाँ रखी हो मेरी गाड़ी का? कार की चाबी कहाँ रखी हो? ओ माय गॉड, ये लड़की देखो चाबी छुपाई थी, चाबी ले। अपने फेस का क्या होलिया बना ली हो? अपने फेस का क्या होलिया बना ली हो? मेरी चाबी इसने छुपा दी थी। हम लोग रास्ते में हैं, सुहाना मौसम है, देख सकते हो आप। और इनको देखो मैडम को, हाथों का क्या हालत किया है इन्होंने, और एक्सप्रेशन देखो, ड्राइव कर रहे हैं और ये फोन में लगी रहती हैं। और ये हमारा वेदर, प्यारा सा मौसम। मौसम से याद आया, मेरी एक फ्रेंड भी है सुंदर सी, मौसम नाम की। सो मिलते हैं फिर। हम लोग आ गए इनके सिस्टर के घर पे, आप देख सकते हो अंदर पंडाल सजा हुआ है इन्होंने, मतलब छोटा सा पंडाल इन्होंने लगाया है। अब ले जाने की तैयारी करते हैं। ओके, ये भी ब्लॉग बना रही हूँ, सिर्फ करमवीर ऑफिशियल। घर बड़ा प्यारा, देखो मैं अंदर आई हूँ दीदी के, यहाँ पे डॉगी भी है, भगवान। ये दीदी डर रही है, ये देखो पंडाल, नहीं मम्मी 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 अरे अरे ये देखो परेशान कर रही है, ये डॉगी है डॉगी। ये देखो पंडाल है, आप लोग भी दर्शन कर लो, गणपति बप्पा मौर्या। ये व्लॉग बना रही है, लड्डू खा रही हूँ। मैंने ना बेसन का इतना सारा मोदक लिया हुआ, लड्डू दीदी ने बनाया है, लड्डू सृष्टि दीदी नहीं उनकी बड़ी वाली दीदी। तो मैं जा रही हूँ लड्डू खाने, स्पेशल है गणेश चतुर्थी में बनाया। इधर पास लाइए पास। इतना खाओगी? देखिए गाइस इतना लड्डू लेके बैठी है। वो मेरा बनाया जा रही है। इनकी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। इनकी वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए दे दीजिए फोन। विसर्जन के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है, हम लोग आए यहाँ पे 4 बजे, अब बज रहे हैं 7, और अभी पंडित जी आए नहीं है। इतना लेट हो क्यों रहा है समझ में नहीं आ रहा है भगवान। और अभी किचन में बन रहा है खाना बिना लहसुन प्याज का, इतने लोग हैं, देखते हैं क्या होता है। रात को विसर्जन है भगवान, ये लोग किचन में है, ऐसा क्या बन रहा है? ऐसा क्या बन रहा है कितने लोग किचन में है? मेरा लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, लेकिन फिर भी किचन में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। दीदी बहुत मेहनत की है इतना मेहनत की है पूछो मत, और अभी तक विसर्जन नहीं हुआ। आप देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है। हे भगवान। तो
अभी बज चुके हैं, बजने वाले हैं 8। आई थिंक घड़ी स्लो है या फास्ट है, 5 मिनट बजने में बचा हुआ है, 8। और ये दीदी हैं, ये अपना व्लॉग देख रही हैं जो इनका भी पोस्ट हुआ है। जैक इनका भी व्लॉग देखो, सिस्टर करमवीर ऑफिशियल। एंड पंडित जी को आने में बहुत लेट हो गया है, इस वजह से विसर्जन में भी लेट हो रहा है। तो देख सकते हो पंडित जी अभी को आए हैं, देखो पंडित जी आए हैं इसलिए लेट। ये देखो क्या कर रही है। तो 8 बजे पूजा या हवन होगा, फिर विसर्जन के लिए जाएंगे। आप देख सकते हो विसर्जन के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि पंडित जी ने लेट कर दिया है। ओके, यहाँ पे पूजा होने जा रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो। षोडश महापिकाभ्यो नमः स्वाहा, वसुधारा देवताभ्यो नमः स्वाहा, चतुष्षष्टि योगिनी। जी को देने के लिए चेंज नहीं है तो भैया स्कैनर से पे कर रहे हैं। हाँ, तो पंडित जी को देने के लिए चेंज नहीं है तो पंडित जी स्कैन करा रहे हैं, देख लिए। आप लोग भी स्कैन कर दीजिएगा। अभी हम लोग गणेश विसर्जन के लिए अभी निकले नहीं हैं। अब देख लीजिए कितना बज रहा है, पूजा हवन करते करते आप सबने देखा होगा, बल्कि इन लोगों ने हाथ भी दिखाया अपना, मुझे भाग्यशाली बोला है, सारे पंडित मुझे भाग्यशाली बोलते हैं, मज़ा आ जाता है। और आप देख सकते हो 9 बज गया, अभी हम लोग विसर्जन निकले नहीं है, लेकिन वो विसर्जन के लिए हल्की सी मूर्ति खिसका दी गई है। फिलहाल हम लोग प्रसाद यानी कि खाना पेट पूजा करके निकलेंगे। ओके, तो हम लोग रास्ते में हैं, ये पीछे दी बैठी हुई हैं दूसरी गाड़ी से, वो लोग हैं ब्लैक दिख रहा ना फेस, अभी देख लीजिए। और मैं भी ड्राइव कर रही हूँ, हम लोग को जहाँ पे जाना है उसके पहले क्रॉसिंग पड़ गई, यानी कि जो ट्रेन वाली क्रॉसिंग होती है वो पड़ गई। और अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, इस वजह से और भी लेट हो, ये तो 11 भी बज गए, लेट भी हो गया, पंडित जी तो लेट किए किए। अभी देखो क्रॉसिंग लग गया, आप देख सकते हो, देखो क्रॉसिंग, देखा क्रॉसिंग लग गया है, तो क्रॉसिंग खुलेगा, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे जहाँ पे हम लोग को जाना है, यानी कि महेश्वरा पुल के पास, वहाँ बहुत बड़ी नदी है, ते पास से ट्रेन जा रही है, देख सकते हो आप सब, क्रॉसिंग लगी हुई है। ये देखो पीछे बैठी हुई है, अब इनका फेस देखा, आप हाथ में क्या ली हुई है, अच्छा मूर्ति तो उस गाड़ी में है ना, आपके डॉटर, ओके तब हम लोग यहाँ से मिलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे। ओके, आ गए हैं, यहाँ बहुत अंधेरा है बट खुश नसीबी से लाइट मिल गया, गणपति बप्पा मौर्या। तो अब हमारे गणेश जी विसर्जित होने जा रहे हैं, यही पोखरा है, यहीं पे होगा। ये फर्टिलाइजर के पास हम लोग हैं जहाँ पे खाद वगैरह बनते हैं। ओके, फिर हम लोग यहाँ से फिर अभी निकलेंगे जल्दी से, बहुत रात हो गई। तो ये देखो हमें गुलाल लग गया, भैया जा रहे हैं वीडियो बनाने, विसर्जित करने से पहले थोड़ी सी मेमोरीज तो जरूरी है। विसर्जन करेंगे गणेश जी, शिवी भी अपने गणेश जी को विसर्जित, गणेश जी विसर्जित, शिवी तुम नहीं, शिवी चप्पल क्या करी हो शिवी, एक मिनट ऊपर चढ़ गई है यार, चप्पल काट दूंगी, जहाँ थोड़ी शिवी गई पानी में, शिवी तुम आगे मत जाना, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। लोग गिरते गिरते बचे, गणेश जी विसर्जित हो गए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये दीदी को देखो कैसे बैठ के वीडियो बना रही है। तो सब कुछ हो चुका है, गणपति बप्पा मौर्या, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये रही हमारी गाड़ी, मैं निकलूंगी डायरेक्ट घर। ओके, तो ये मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ बिकॉज इसके बाद जाके सोना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और खूब ढेर सारा प्यार दें, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में, वीडियो बनाने में, हर जगह जाके बोलना, आप लोगों
लगता है बहुत आसान है, तो नहीं ये आसान नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर देना, पूरी वीडियो ज़रूर देखे होगे, सॉरी अगर पूरी वीडियो देखे होगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ऐसा कौन सा मोमेंट जो है बहुत अच्छा लगा। ओके तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। क्राउड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इग्नोर दिस वॉइस। ओके तो गाइस बाय गाइस।